जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर उस सेगमेंट में कि जिसमें 10 से 15 मिनट में बहुत पकाया जाता है, यानी कम वक्त में ज़्यादा अच्छा खाना किस तरह बनाया जाता है ये आपको बताया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि शान रमज़ान की सारी ऑडियंस अपने घरों में बैठे हुए और हम यहाँ पर मैं और इकरार भाई भरपूर तालियों में शान रमज़ान 2024 में इस्तकबाल करें शेफ़ आयशा अबरार साहबा का। सो वेलकम आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपको भी रमज़ान मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज तीन चीजें बनाने लगे हम। अच्छा, पहले ही दिन, पहले दिन इतना पकाया जाएगा? बहुत पकाया जाएगा, बड़ी बात है। अच्छा, एक लेवल का मैं पकाऊंगी, एक लेवल का आप पकाइएगा, जो आप पकाते हैं। अच्छा, जो डीप फ्राइंग होती है उसकी बात कर रही थी मैं। अच्छा, आप उसकी बात कर रही थी। तो एक चीज जो हम बनाएंगे वो है काठियावाड़ी चने। रमजान में आपको पता है कि हर घर में चाट बन रही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की चाट है। गुजराती एक रेसिपी है, इसमें बेसिकली ग्रेवी रखी जाती है, गरम गरम ये सर्व होती है और ड्राई नहीं होती बिल्कुल भी। अच्छा, एक ये बनेगी काठियावाड़ी चने, काठियावाड़ी चने, लकड़ी की काठियावाड़ी चने। नहीं नहीं भाई, वो कम्युनिटी काठियावाड़ी उसमें है, लकड़ी की काठी वाला नहीं, नहीं वो नहीं है, गुजराती रेसिपी है। उस काठी पे तो घोड़ा है ना, वो नहीं है। और एक हम बनाएंगे कीमे के समोसे, हर एक को आते हैं, लेकिन हमने कहा चलो पहला पहला यू नो रमजान है, पहला पहला रोजा है, तो हम जरा इस तरह से स्टार्ट करते हैं। और फिर हम बनाएंगे बड़ी मजे की जबरदस्त सी एक करछी के जामेशीरी का योगर्ट। ये रेसिपी एक जबरदस्त डिफरेंट किस्म की है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, स्टार्ट करते हैं काम, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कीमे का जो मसाला बनाना है कीमे के समोसों का, उसमें मैंने चिकन का कीमा ले लिया है जो हमने उबाल के रख लिया है। इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा, मैं नमक ऐड कर देती हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे हम, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। वैसे तो हसबे जायका, लेकिन जब जाहिर है पूरा दिन आप खाली पेट होते हैं तो थोड़ा सा हल्का हाथ पहले दूसरे रमजान बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ मेडिसिन नहीं चाहिए आपको डेफिनेटली। और इसमें हम या तो हरा प्याज या सफेद प्याज थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इन सारी चीजों को मिक्स करके हम तैयार कर लेंगे एक मसाला कीमे का। और उसको हम भरेंगे बेसिकली मांडा पट्टी में, जो कि इस तरह से होती है, हर एक के पास होती है, सबको आती है। ये मैंने ये ओवर स्मार्टनेस की हुई है, ओवर एफिशिएंसी करके मैंने ये भर लिया है, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि आप दोनों डीप फ्राइंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। क्या पता चला था? कि आप लोग डीप फ्राइंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, बड़े अच्छे सुघड़। और आप देखेंगे कौन ज्यादा बेहतर करता है, रोजाना की बनाते हुए वसीम भाई मुकाबला होगा। आज आपका दिन है, लेकिन ये होगी कैसे? ये होगी जनाब डालडा कुकिंग ऑयल में। और जब हम डालडा की बात करते हैं तो डालडा ईद से पहले ईदी आपको दे रहा है 250 रुपए, पूरे 250 रुपए की बचत। और डालडा के बारे में आपको पता है कि 80 साल से माओं का बेहद भरोसा है पाकिस्तान भर की, और डालडा सेहत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सेहत और क्वालिटी में कभी कमी नहीं करता। तो इसमें मैंने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था। और हम चेक कैसे करेंगे कि ऑयल सही है या नहीं? वैसे तो हम हाथ से इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा पीस अगर ये ऊपर आया तो ऑयल गरम है। एक तो ये कि आपने इस तरह से गरमाइश चेक की, एक ये जो मैंने अभी किया, तीसरा ये कि ऑयल जैसे ही गर्म होता है ना वो पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा लिक्विड ही उसका एक कंसिस्टेंसी हो जाती है। हमारे ऐसे बंदे के लिए सबसे आसान तरीका वही वाला जो आपने अगर देखिए, क्योंकि अगर बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, अब इसको हम डीप फ्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी इसकी डीप फ्राइंग स्टार्ट, स्पून आएगा तो आप इसको सिर्फ पकाइएगा एक मिनट एक साइड से, दूसरी मिनट दूसरी साइड से, क्योंकि कीमा गला हुआ है इसका, ठीक हो। तो हमें सिर्फ इसको कलर देना है। लेकिन आपसे गाइडेंस लेता रहूंगा ताकि ये ना पहले ही दिन में कुछ गड़बड़ कर दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे काठियावाड़ी चने का काम। और इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने चनों को पहले से उबाल कर रख लिया है, ये काबली चने है, सफेद चने, इसी के पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। आप थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया। इसको हम पकने के लिए रखेंगे। अब मैं चूल्हा जलाऊंगी हल्की आंच पे बिल्कुल, और इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं मगर उसी से मजे का फ्लेवर आता है। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। आप इसको चिकन की यखनी में भी बना सकते हैं, और अगर ना हो तो चिकन पाउडर आप बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। जो बिल्कुल फ्लैट होता है इसको भी कह सकते हैं, इसमें से कोई नहीं होता। नहीं नहीं, इसमें से नहीं होता, ये स्पैचुली है, क्या है इसको आप एक्चुअली एक्चुअली है भाई, स्पाइडर वेब की एक किस्म है। किसकी? स्पाइडर वेब। चमचा ही ठीक है हमारे लिए, आप कर लेना। चिकन पाउडर मैंने ऐड कर दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें मैं ऐड करूंगी इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर।
भुना हुआ कुटा हुआ जीरा हम ऐड करेंगे, इसकी खुशबू बहुत मजे की होती है, ये हम ऐड करेंगे। हां ये वैसे तो ओवरऑल ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अभी तो पकना स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं नहीं यार आपको अभी तो खुशबू आ रही है। अच्छा इमली का पेस्ट अब ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और नमक लेकिन कम क्योंकि चिकन पाउडर हमने ऐड किया है, 1/2 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। सॉरी क्या ऐड किया जिसकी वजह से नमक कम डाला है? चिकन पाउडर, उसमें भी नमक होता है और फिर चाट मसाला मैं ऐड करने लगी हूं उसमें भी नमक होता है, तो ये हम भर के 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे, मुझे कोई सा भी स्पून दे दें उसमें से। आप कौन सा लेना पसंद फरमाएंगे बताएं, हमारे पास सारे दस्तयाब हैं। दूसरा वाला ये ये तीसरा है। अच्छा वहां से भाई हमारी गिनती यहां से शुरू हो रही है ना। अच्छा यहां मैं इंग्लिश में कर रही हूं, यहां से दूसरा ठीक है। अच्छा इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और कॉर्नफ्लावर जो है वो मैं घोलूंगी पानी में। दो तरीके होते हैं इसको गाढ़ा करने के, एक तो ये कि आप जैसे हलीम को नहीं हम घोटते ऐसे, लेट तो नहीं हो गया हम, देखिए साइड मेरा ख्याल है देर हो गई आपके वसीम भाई, ऐसे नहीं कर रहे, थोड़ा सा जल गया एक ये नहीं बस के बस चलेगा ना बिल्कुल एंड, बस अब चलने वाला एंड टाइम परफेक्शन की हद तक भाई। अच्छा सॉरी आप अपना जारी रखें, हम ये शुरू कर दें क्या साथ? हम बिल्कुल शुरू कर दें। अच्छा अब हम बनाने लगे हैं करशी जामेशीरी का एक योगर्ट जिसमें हम स्ट्रॉबेरीज भी ऐड करेंगे। करशी जामेशीरी की जब हम बात करते हैं तो खालिद सर की याद से तैयार करता है 100% और अफ्तार में जो है ना वो 4 चांद लग जाते हैं जब करशी के करशी का जो है जामेशीरी आप इस्तेमाल करें, अफ्तार पार्टी में 4 चांद लगा देता है। स्ट्रॉबेरीज सारी नहीं 2-3 बचा के रखिएगा मेरी सर्विंग के लिए। ओ, अच्छा जो खूबसूरत वाली है ना। जी 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 ये बचा ली। हाँ बिल्कुल लाल लाल पकी हुई ये भी अच्छी है, बस दो काफी हैं। 3 बचा आप मजेदार से मीठे तैयार कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये सारी ऐड कर दी ऑलपर्स की, थिक और क्रीमी क्रीम, थिक और क्रीमी क्रीम। अच्छा इसमें अब हम ऐड करेंगे दही पूरा, ये दिमागी दही है या सादा दही है? सादा दही है। और इसमें दूध ऐड करेंगे, ठीक है ये भी सारा, ये भी सारा। इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली, ये भी सारी ऐड कर देंगे ये वाली। इसको तोड़ना है? नहीं इससे तोड़ देते। कौन सा वाला चम्मच है? अब मुझे चाहिए छोटा वाला दे दे, उर्दू वाली। अच्छा अब तो एक, चलो समोसे जल रहे हैं आपके हैं? नहीं नहीं बस हो गया, बंद कर दें तो इसको, इस पर निकाल लें पहले, इसको बंद कर लूं या आपको ये चाहिए? नहीं पहले आप निकाल लें। ओके अच्छा पहले निकाल लें और उसके बाद बंद कीजिएगा। जामेशीरी भी इसमें ऐड कर दीजिए, सब 3 टेबलस्पून भर के ये हमने रखा हुआ है ये हमने ऐड कर दिया। और समोसों को हमने फ्राई किया है जनाब डालडा कुकिंग ऑयल में, और ये मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपके लिए जनाब एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, वो ये है कि ईदी से पहले ईद से पहले ईदी दे रहा है आपको डालडा कुकिंग ऑयल पूरे 250 रुपये की बचत के साथ। और देखिए क्या बात है, और क्यों और क्यों, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा सा नजर आता है इसमें से जेली का वो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हाँ जरा सही से, यस वेरी गुड वेरी गुड जबरदस्त। अच्छा ये जो योगर्ट बना है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी इसलिए भी है क्योंकि इसमें फ्रूट भी है, इसमें हमने मिठास बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की। अगर आप चाहें तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, हमने नहीं किया क्यों, क्योंकि स्ट्रॉबेरी निकालना किसी है और करशी का जामेशीरी भी मीठा है तो ये निकालना है हमें एक बोल में हम निकालेंगे। सो अभी हम इसमें निकालते हैं, अच्छा इस बोल में हम निकाल देंगे क्योंकि योगर्ट है और आप इसको एज इट इज बाय द वे अगर चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, तो वो योगर्ट वो जो नहीं होता आजकल बड़े महंगे महंगे आपको वो फ्रोजन, यार ये आप देखिए वो भी हो जाएगा। ये जो वो क्या कहेंगे इसको, जूसर है क्या, क्या क्या कहते हैं ये, ब्लेंडर है, ब्लेंडर। इसका रंग देखिए और इसका रंग देखें, मैचिंग, और इसका रंग देखें वसीम भाई, हर चीज का ख्याल रखा गया ना, देख रहे हो डिटेल्स का, मैचिंग मैचिंग। ये योगर्ट ज्यादातर सहर इफ्तार में या शहर में ज्यादा परफेक्ट है सहरी के लिए, क्यों, क्योंकि दही है, दही में बहुत सारा प्रोटीन होता है। अफ्तार में मैं कहूंगी बिल्कुल आप इसको जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो जो अफ्तार के बाद का एक टाइम नहीं होता जब आप कहते हैं कि मैं डिनर करूं या नहीं करूं, उस टाइम के लिए बड़ा जबरदस्त है। ओके डाल दिए, हां हां बिल्कुल ऐड कर दें, वेरी गुड, आहा वेरी गुड। और ये तीसरा भी कहीं बीच में, क्योंकि वो इवन नंबर अगर होता है ना तो मजा नहीं आता, ये ऑड नंबर्स का मजा आता है। वेरी गुड वेरी गुड जबरदस्त, और मैं जीत गया, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हम इंप्रेस हुए बहुत। अच्छा अब यहाँ पे ये देखिए इन बेचारे समोसों का क्या करना है, ये चार अकेला अकेला जला दिया आपने इसको ना, हम थोड़े नहीं ठीक, ये इसको जलावा तो नहीं कहेंगे ना, इसको नहीं जलावा कहेंगे, नहीं ठीक है, हां
Okay. आपसे पूछा है ना? नहीं, मैं जला हुआ ना असल में इसलिए आपको जला हुआ कहेंगे ये बेचारा ऐसे नहीं कहे यार ये नहीं नहीं ये खूबसूरत हैं बहुत और बस नजर होनी चाहिए है ना हाँ, पहला दिन है ना जैसे बहुत खूबसूरत है हाँ। और इनको हम एज इट इज सर्व कर देंगे आप चाहें तो सैलेड लीव रख सकते हैं लेकिन मैं इसमें कलर ब्रेकिंग जरूर करूंगी बिकॉज शेफ को उसके बगैर मजा नहीं आता थोड़ा सा जो आपकी डिश है वो खूबसूरत लगनी चाहिए रेड है ये हमारा ग्रीन कलर हो गया इसमें थोड़ा सा हम ऑरेंज के पॉप्स डालेंगे अच्छा और इसमें हम केचप को ना एक स्टाइल से जरा मैं रखना चाहती हूँ और मेरे पास एक स्पून चलिए कोई बात नहीं हम इस तरह से करेंगे कि हम इस तरह से केचप को ऐड करेंगे भाई वाह क्या बात है वाह लेकिन मैं इसको सही करना चाहती हूँ तो अभी फिलहाल मैं एक इसको कहते हैं हैक्स किचन में जो चीज जिस तरह से जैसे अवेलेबल है उससे काम करना तो ये हमारी छुरियों से हमें बहुत डर लगता है हाँ भाई अच्छा अब देखिए जल्दी से कि जो काठियावाड़ी चने है ना इसमें पानी ऐड किए बगैर इस तरह से मैंने इसका जो हल्का सा इसका अपना चने का पानी था वो ड्राई कर दिया थोड़ा सा अगर मैं इसमें पानी ऐड कर पाऊँ तो दैट किसी चीज में पानी बल्कि हम इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं लेकिन जब आप इसको गर्म करने लगे बिल्कुल अफ्तार के टाइम उस वक्त बॉइलिंग पानी इसमें ऐड करना है आपने और इसको मिक्स करके गर्म करके सर्व नहीं, करना है पानी डाल के गर्म नहीं करना नहीं गर्म पानी डालना गर्म पानी डालना है और फिर मिक्स करना है उससे जो है ना वो पानी अलग और ये सारा मसाला अलग नहीं होगा सो इसको पहले हम सर्व करेंगे और इसके बाद इसकी खूबसूरती स्टार्ट होगी जिसमें हम टमाटर प्याज आलू हरी मिर्ची ये सारी चीजें ऐड करेंगे अच्छा भाई बाबा सारा कर देंगे और ये कोई हाई कैलोरी फूड आइटम समझा जाएगा या नहीं है ये रिलेटिवली इंतहाई हेल्दी चीज है मैं आपको बताऊं क्यों डाइट साइड पे कोई हो तो ये मामला चल सकता है बिल्कुल मामला चल सकते हैं और मजे की मैं आपको एक बात बताऊं जब मैं ये रेसिपी लिख रही थी ना तो आपकी टीम मेंबर ने मुझे कहा कि शेफ आप श्योर हैं कि आपको उसके साथ पाव डबल रोटी नहीं चाहिए क्योंकि जो काठियावाड़ी चने होते हैं ना उसमें से ज्यादा ग्रेवी होती है और साथ में पाव डबल रोटी होती है तो मैंने सोचा कि बिना वजह के जो कार्ब्स हैं वो हम क्यों लें कार्बोहाइड्रेट चने में भी है आलू में भी है बिल्कुल बिल्कुल डाइट का आपके साथ क्या ताल्लुक है रमजान मुबारक मुझे पता है रबड़ी आप खाते हैं नहीं नहीं पुरानी बातें हो गई भाई हलीम आप खाए पुरानी बातें हो गई तो आज क्या करेंगे मैं एक साल पहले खाता था अब तो पिछले रमजान में खाई थी तो अब क्या करेंगे आज यही करेंगे हां तो बस फिर लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसे में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए व्यूअर्स को जरा इंप्रेशन दे रहा था अच्छा अब हम इसमें प्याज टमाटर ऐड कर देंगे हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे मैं ये बच्चों वाली फिलहाल सर्विंग इसलिए कर रही हूँ सारा कुछ ऊपर से ऐड इसलिए नहीं कर रही बिकॉज जब आप इसको मिक्स करेंगे किसी को प्याज ज्यादा पसंद होते हैं टमाटर तो मैं एक ऑप्शन बेसिकली रख रही हूँ यहाँ पे और थोड़े से आलू लेकिन इस तरह से कि चने जो है मेन चीज हमारी वो ना छुपे ये जो आलू है हमने जर्दे के रंग में इनको क्या किया बॉईल किया बॉईल किया है तो ये इसमें कोई टेस्ट तो इसका फर्क नहीं होगा सिर्फ रंग आया है हाँ सिर्फ रंग आया है और नमक अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो टेस्ट मजे का हो जाएगा अच्छा। और अगर आप चाहें तो एक सीक्रेट टिप है वो ये कि आप इसमें एक हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं जब आप बॉईल कर रहे हो तो उससे वो चटपटा सा एक फ्लेवर आ जाएगा और अगर आपने इसमें पापड़ी ऐड नहीं की ये अब एक अनहेल्दी चीज है जो थोड़ी सी बेशक ऐड करें लेकिन जरूर करें क्योंकि इसी से इसका जो है वो मजा आता है सो पापड़ी हमने ऐड की बहुत खूब भाई वाह पापड़ी छोटी वाली पापड़ी ये हमने ऐड कर दी देन हम इसमें ऐड करेंगे जनाब आपका भुना हुआ जीरा एंड भुरा हुआ धनिया ये अब हम बंद कर देंगे एंड दैट्स इट जबरदस्त क्या बात है सो ये आपने देखा 13-14 मिनट में जो है वो हमने क्या बात है तीन डिशेस टीम वर्क और क्या चाहिए आपको बताएं भाई क्या बात है पहले तो शेफ आयशा के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए जबरदस्त पहला सेगमेंट और हाँ। वक्त पे सारी चीजें बना ली माशाल्लाह आप लोगों की मदद की वजह से बस हमने कभी गुरूर नहीं किया लेकिन क्या बात है वाह 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 सो थैंक यू वेरी मच आयशा और हम व्यूअर्स से भी पूछते रहेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि वो आपसे क्या क्या पूछें या क्या क्या बनवाएं वो हम आपको बताते रहेंगे तो व्यूअर्स जो हमें हुक्म करेंगे हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो उनकी भी ताकि व्यूअर्स बताएंगे आप अपनी फरमाइश करके बता बीच में मैं दो तीन अपनी भी डाल दूंगा फरमाइश लेकिन नाम में व्यूअर्स कह लूंगा व्यूअर्स का नाम लेके व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं ठीक है ऐसी बड़ी वारदात डाली हमने तो ये अब करना है आपने इंशाल्लाह सो थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन वेलकम टू शान ए रमजान और इंशाल्लाह ये सफर बहुत अच्छा गुजरेगा और जबरदस्त सो बहुत सारी तालियों में शेफ आयशा हमारे साथ और इंशाल्लाह शान ए रमजान शान ए इफ्तार में रोजाना तकरीबन इसी वक्त आप ये सेगमेंट देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह